पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर शांति जैन, जो मेरी गुरु भी रही हैं, उन्होंने हिंदी के लिए लिखा था, भारत माँ के गौर भाल पर चमक रही जो बिंदी है वह कुमकुम का रंग नहीं है, अपनी भाषा हिंदी है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन पर आप सभी को आरजे सुरभि का नमस्कार। साथ ही हरिशंकर परसाई जी ने भी कुछ लिखा था, क्या हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बात करो, हिंदी बोलनी चाहिए। ये बहुत ही एक शार्प टॉन्ट जिसको कहते हैं, एक तीखा सा व्यंग था उनकी तरफ से। जहां तक हिंदी की बात करें तो हिंदी, अगर आज हम शुद्ध हिंदी, देवनागरी और तत्सम की बातें करते हैं तो बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। कारण ये है कि शुरू से विदेशज भाषा हमारी हिंदी में समाहित होती चली गई और आज हिंदी की शिक्षिकाएं भी चाह कर भी शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझाने के लिए छात्रों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधी अंग्रेजी है आधी हिंदी है। ये एक कड़वा सच है हमारे समाज का। हिंदी दिवस के दिन हम राजभाषा हिंदी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी हिमायत करते हैं और उसके कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद ही हम वापस से अंग्रेजी में आ जाते हैं। अभी जो स्थिति है, हम लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी समझते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे हम आप हो। अगर कहा जाए कि सेक्रेटेरिएट चलो तो वो तुरंत समझते हैं, सचिवालय कहो तो उन्हें समझने में वक्त लगता है। इस तरह की बहुत सारे शब्द हैं जो उन्हें बताना पड़ता है और बाद में वो बोलते हैं, अरे महाराज अंग्रेजी में ना बोल रहे हैं, हिंदी में ना बोलना चाहिए था। ये भी एक व्यंग्य था। हमारे साथ जो भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे अभिनेता अभिनेत्री हिंदी में जब वो पर्दे पर आते हैं तो बड़ी अच्छी हिंदी भाषा में बातें करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार में बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, जब इंटरव्यू बोलने की बारी आती है तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। कई बार वो अंग्रेजी गलत होती है और एक वाक्य बोलने में 10 बार अटकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी ही बोलेंगे। बात अंग्रेजी या किसी और भाषा की नहीं है, बात है कि हिंदी भाषा को उसकी प्रतिष्ठा दिलानी है, उसकी जगह दिलानी है, जो कि पूरी तरह से देवनागरी या अपनी संस्कृति मिला करके पहले की तरह हिंदी को हम आज के दौर में स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन जितनी है, जितना है उतना तो कर सकते हैं। आज अगर हम हिंदी में बात करें और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों को बताएं कि हिंदी का जो महत्व है वो क्यों है, कितना है और क्यों होना चाहिए, तो शायद कुछ बात बन जाए। एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।